वाह भाभी जी, क्या लग रही हैं आज तो आप, एकदम छिलावा अंडा लग रही हैं, लेकिन क्या लग रही हैं। तब तो मतलब बवाल मच गया था एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में। तो एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अभी जूझ रही हैं और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है और आ जाएगी, लेकिन बहुत सारा सीरियस काम जो है वो मेरा देखा ही नहीं गया है या आया नहीं है लोगों की नज़रों में, जो मैं कर चुका हूँ। वेलकम टू टेली चक्कर रोहिशभ गौर जी, हम बहुत ज़्यादा ओब्लाइज्ड हैं आपके साथ आज बात करने को लेकर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अब तक की जर्नी भाभी जी के घर, भाभी जी घर पर है पर कैसी रही? बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है, और सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तब उम्मीद नहीं की थी कि ये सीरियल जो है वो 7वें साल में प्रवेश कर जाएगा। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये इस कंटेंट को लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कि एक पड़ोसी दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है, एक दूसरे की बीवियों से मोहब्बत करते हैं दोनों, तो ये पता नहीं कॉन्सेप्ट इंडियन ऑडियंस में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमें ये था कि हो सकता है शायद 3 महीने बाद वो कह देंगे हमें नमस्ते, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये 7 साल चलेगा और उसी उत्साह के साथ चलेगा। आपका किरदार हर किसी को पसंद आ रहा है, तिवारी जी यानी कि हर घर घर में फेमस हो चुके हैं आप, लेकिन आपको अपने किरदार के बारे में एक वो चीज़ जो बेहद पसंद है प्लीज़ ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तिवारी जो है अपनी हर बात जो है बड़ी लच्छेदार हिंदी में प्रेजेंट करता है, बहुत लच्छेदार, और लच्छेदार हिंदी के साथ साथ जो छोटे शहरों के जो बहुत ही रिमोट एरिया में रहने वाले लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर वो कोई तुलना भी करेंगे कि वाह भाभी जी क्या लग रही हैं आज तो आप, एकदम छिलावा अंडा लग रही हैं लेकिन क्या लग रही हैं, तो ये जो अजीब सी तुलना है कि स्किन की तुलना छिले हुए अंडे से कर रहे, तो ये जो बीच बीच में जो तुलना कर लिखते संतोषी साहब लिखते हैं और हम बोलते हैं, वो मेरे चरित्र की बड़ी कमाल चीज़ मुझे लगती है। सौम्या टंडन के बाद अभी नेहा पेंसे ने इस अनीता जी का किरदार की कमान संभाली है, कैसी रही अभी तक की केमिस्ट्री आपकी उनके साथ, आप लोग कैसे जलप कर रहे हैं सेट पर टुगेदर? देखिए किसी भी एक्टर के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, ये वो एक्टर ही जानता है जो कर रहा होता है, क्योंकि शुभांगी जी भी जब आई थी तो शिल्पा शिंदे छोड़कर गई थी, तब तो मतलब बवाल मच गया था एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में, जैसे अभी जो है मारकाट मच जाएगी टाइप का मामला था। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि शुभांगी जी के ऊपर क्या प्रेशर रहा होगा, तो सेम प्रेशर से अभी नेहा जी भी जूझ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है। हालांकि वो तुलना ज़रूर करेंगे, ये स्वाभाविक है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग पर्सनैलिटी है, दोनों के बैकग्राउंड अलग है, दोनों की पर्सनैलिटी में काया में बहुत अंतर है। तो एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अभी जूझ रही हैं और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है और आ जाएगी, लेकिन एक अभिनेता के तौर पे ये रियली मुश्किल होता है, क्योंकि एक किरदार 5 साल तक निभाया जा चुका है। शिल्पा शिंदे के टाइम में वो सिर्फ 1 साल में ही चली गई थी, तो 5 साल से शुभांगी को ही देख रहे हैं लोग, तो अब उसके उनके दिमाग में रच बस गई है। अब नेहा जी को रचने बसने में थोड़ा समय लगेगा और हमें वो समय देना भी चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि तिवारी जी तो हर किसी को पसंद आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कौन सा जॉनर या कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं आगे नियर फ्यूचर में जो आपको बहुत लुभा रहा है फिलहाल? मुझे थोड़ा सा अपनी मतलब एक कॉमेडी जॉनर से थोड़ा सा बाहर निकलना है। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं कुछ बहुत सीरियस काम करूँ, और सीरियस काम भी इस तरह का जैसे हमारे ही दोस्त लोग कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में कर रहे हैं, बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे किरदार निभा रहे हैं, जिनमें मैं बड़ा प्रभावित होता हूं अपने ही मित्र पंकज त्रिपाठी साहब से या नवाज से, जो हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, हम भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो उस तरह के किरदार निभाने की इच्छा है, जैसे लंच बॉक्स में इरफान ने निभाया, कुछ इस तरह की मैच्योरिटी लेवल पर मुझे काम करना है आगे आने वाले टाइम, मेरी बड़ी तमन्ना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मुझे कॉमेडी करते काफ़ी समय हो गया है, लापता गंज उसके बाद फिर ये, उससे पहले भी बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारा सीरियस काम जो है वो मेरा देखा ही नहीं गया है या आया नहीं है लोगों की नज़रों में, जो मैं कर चुका हूँ। अगर आपने मातृभूमि फिल्म उठा के देखे,
या अश्विनी चौधरी की धूप उठा के देखे, तो वो ऐसा काम हम कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है, एक ठप्पा इंडस्ट्री में लग जाता है, ये बड़ी बुरी बात है कि आपको फिर उसी पैमाने पर लोग तोलने लगते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस पैमाने को तोड़ने का मन करता है, जो कोशिश करेंगे आगे ईश्वर इच्छा। भाभी जी घर पर है कि अपकमिंग ट्रैक के बारे में थोड़े ऑडियंस को स्पॉइलर्स देना चाहेंगे, दिवाली पर आखिर ऐसा क्या करने वाले तिवारी जी? दिवाली का ट्रैक हमारा थोड़ा सा अलग ही ट्रैक है, जिसमें दोनों भाभियों की इच्छाओं पर आधारित दिवाली मनाई जाएगी। जैसे तिवारी चाहेगा कि भाभी जी की इच्छा के अनुसार मैं दिवाली मनाऊं, और वो और एंड में जो है दोनों जो स्थितियां ऐसी बीतेगी कि दोनों को अपनी पत्नियों के साथ रहना पड़ेगा। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.